नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कार्यकर्ताओं से बोले निहाल चंद, गलतियां हुई तो अब माफ ही करो, साथ लगो और जिताओ चुनाव। कांग्रेस की मीटिंग में बोले मास्टर भंवरलाल, भरत राम को उंगली पकड़कर लाया था राजनीति में। स्कूल संचालकों ने बीडी अग्रवाल को घेरा, पूछा क्यों रोकी छात्रवृत्ति। छात्र युवा संसद ने भरी हुंकार, शिक्षा का निजीकरण बंद करने की मांग। न्यूज बुलेटिन में आज हम संडे पॉलिटिक्स के साथ हाजिर हैं। संडे का मतलब होलीडे होता है, जो मौज और मस्ती के लिए जाना जाता है। लेकिन यह रविवार पूरी तरह आम चुनावों की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल से लेकर भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल तक से जुड़ी खबरों के साथ हम आपको जमींदारा पार्टी से संबंधित खबरें भी दिखाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि छात्रवृत्ति योजना बंद होने से क्षुब्ध स्कूल संचालकों ने किस तरह जमींदारा पार्टी के सुप्रीमो बीटी अग्रवाल को घेर लिया। वहीं विख्यात संत आचार्य महाश्रमण हनुमानगढ़ प्रवास पर पहुंचे, श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। आइए शुरुआत करते हैं भाजपा की खबर के साथ। कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे भूलने में वक्त तो लगता ही है। भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल भी इन्हीं आपाधापी के दौर से गुजर रहे हैं। पार्टी से टिकट लेने के बाद उनके सामने बड़ी समस्या है रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने को लेकर। निहाल चंद रविवार को कार्यकर्ताओं से मिले, गिले शिकवे दूर करने का वास्ता दिया और चुनाव जिताने का भरोसा भी लिया। तीन दफा सांसद रहे भाजपा प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल एक बार फिर चौथी बार संसद जाने की तैयारी में जुटे हैं। इस बार उनके लिए राह में रोड़े डाल रहे हैं वे सारे अपने जो कभी निहाल चंद के साथ कदम ताल करते थे। दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुई मीटिंग में उन्होंने मौके की नजाकत को समझा और सीधे मुद्दे पर आ गए। मुद्दा क्या? रूठे हुए अपनों को मनाने का। सुनिए निहाल चंद का वह भाषण जिसमें उन्होंने खुद को इंसान बताया ताकि की गई गलतियों के लिए माफी मिल जाए। इस दलील के साथ कि आखिर गलती इंसान से ही तो होती है। 1995 से लेकर आज तक राजनीतिक क्षेत्र मेरा कार्य रहा है। आप सबके सहयोग से पिछले 5 साल को छोड़ के बाकी लगातार मैंने किसी न किसी क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व किया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लंबे अरसे तक राजनीतिक क्षेत्र में हमने काम किया, लंबे अरसे तक इसे राजनीति के क्षेत्र में मेरे गुरुजी ने काम किया, तब से लेकर आज तक हमने जनता के बीच में रहकर काम किया है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि लंबे अरसे तक काम करने के बावजूद अगर मेरे से कोई गलती भी हुई हो, मैं कोई कंप्यूटर तो हूँ नहीं, अगर कोई इंसान हो, अगर फिर भी कोई गलती भी हुई हो तो उसको आप क्षमा करके देश की राजनीति। बैठक में जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा, विधायक डॉ. राम प्रताप, नगर मंडल अध्यक्ष डॉ. भारत भूषण शर्मा, बलवीर बिश्नोई व प्रेम बंसल आदि मौजूद थे। डॉ. राम प्रताप ने कहा कि चुनाव में जनता अपनी सोच के हिसाब से मतदान करती है, इस बार मुद्दा है देश को बचाने का। तो बट करके वोट फिर बिखर जाते हैं, इस वजह से नतीजे हिसाब से नहीं आते, लेकिन मतदाता अपनी सोच के हिसाब से सही चलता है। उसी हिसाब से जब विश्लेषण किया गया तो एक बात सामने आई कि इस बार का चुनाव जब से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव शुरू हुए हैं, पार्लियामेंट के विशेष तौर से मैं निवेदन करूंगा, 1952 से लेकर के 2009 तक के चुनाव थे, तो उसमें हर राजनीतिक पार्टी इस बात के लिए वोट मांगती थी कि हमें वोट दो जिससे हमारी सरकार बने, हमारा राज बने। लेकिन इस बार का चुनाव जिस तरीके से जहां जहां मोदी जी गए और जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब उमड़ा, वो चुनाव को किसी राजनीतिक पार्टी को राज के लिए नहीं मिल रहा है। वो जन सैलाब जो उमड़ रहा है वो उमड़ रहा है वोट फॉर इंडिया, नॉट फॉर बीजेपी, नॉट फॉर मोदी, बट वोट फॉर इंडिया, हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस बार के वोट पर। निहाल चंद के प्रति कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भांपते हुए विधायक डॉ. राम प्रताप ने कहा कि इस बार
फिर उम्मीदवार को मत देखो, देश को देखो और गलतियों को दफन कर भाजपा के लिए समर्थन मांगो। विधानसभा चुनाव में जो सफलता मिली, शायद ही कभी वैसी सफलता फिर मिले। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार वो पीछे रह जाता है। हो सकता है उम्मीदवार से मेरा व्यक्तिगत तौर पर कोई नाराज भी हो, लेकिन मुद्दा हमारा देश है, इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और उसमें मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग ज्यादा जोश में, भी पहले अपने को 162 या 163 सीटें मिल गई, कल भी मैं सुन रहा था प्रेम जी की सुलटी के लिए 162 और 163 सीटें हैं अपनी, 63 है नहीं? एक बात में आई वो आपके गले नहीं उतर रही है वो कईयों के नहीं उतर रही है, लेकिन 163 है सीटें इतनी है। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत राय है कि इतना भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में न कभी मिला और शायद ही कभी इतना मिले, तो उस हिसाब से अपने को सुस्ती नहीं करनी। जो जोश और खरोश अपने विधानसभा चुनाव में था, उससे ज्यादा अपने को ताकत लगा करके। विधायक डॉक्टर राम प्रताप भले निहाल चंद की पैरवी करते नजर आए, लेकिन चहुं और विरोधों का सामना करने से उन्हें निजात नहीं मिली। यही वजह है कि चुनाव की शुरुआत में ही वे अवसाद की चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, हम बात निहाल चंद मेघवाल की कर रहे हैं। रविवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में जब पत्रकारों का सामना हुआ तो कई तल्ख सवालों से जूझना पड़ा निहाल चंद मेघवाल को। बस क्या था, कुछ सवालों पर उखर गए निहाल चंद मेघवाल, बात बात में चुनाव मैदान से चले जाने तक की धमकी दे दी। आम तौर पर निहाल चंद मेघवाल शांत और संयत व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, गुस्सा जैसे उन्हें कम ही आता है, लेकिन रविवार को उनके तेवर कुछ बदले हुए थे। विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने से वंचित रहने और लोकसभा चुनाव में भी भागम भाग के बाद टिकट हासिल करने के लिए पीछे हुई मेहनत से जैसे उनका दिल भर गया था। ऊपर से कार्यकर्ताओं की नाराजगी, गुस्सा कहीं तो निकलना ही था, सो गुबार फट गया, वो भी पत्रकारों के सामने। आखिर सवाल भी तो कुछ तल्ख ही थे। पत्रकारों से बातचीत की शुरुआत बेहद आत्मीयता से हुई। उन्होंने मिशन 272 से लेकर वसुंधरा राजे की टारगेट 25 तक का जिक्र किया और सफल होने का दावा भी। उस वक्त उत्साह से लबरेज नजर आए निहाल चंद मेघवाल। केंद्र का 272 का मिशन और राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी का तूफान, उसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो तूफान चल रहा है, पूरा देश चाह रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके बाद पत्रकारों ने उन पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप संबंधित सवाल दागा। सुनकर कुछ उखड़े निहाल चंद मेघवाल। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 से राजनीति में हूँ, कभी किसी की उपेक्षा नहीं की, फिर पूरे क्षेत्र की तो बात ही बेमानी है। नहीं, मैंने कभी हनुमानगढ़ की क्या, मैंने कभी किसी की भी उपेक्षा नहीं की। हनुमानगढ़ के हर गांव-गांव और हर ढाणी तक मेरी पहचान है। हर पंचायत को मैं जानता हूँ, पंचायत मुझे जानती है। हर गांव में 15 साल तक जब तक मैं सांसद रहा, तब तक सांसद कोटे से पैसा गया और विकास की योजनाओं में हम लोगों ने मिलकर भागीदारी जताई। पत्रकारों ने 3 बार सांसद रहने पर उपलब्धियों के बारे में पूछा तो निहाल चंद ने रावतसर में सेम समस्या से निजात दिलाने सहित कुछ अन्य मसलों पर बोलना शुरू किया, लेकिन पत्रकारों ने बीच में ही टोक दिया कि आखिर वे बतौर सांसद अपनी उपलब्धियां गिनाएं। बात सरदार शहर रेलवे मार्ग पर फंस गई तो बोले, आज क्या स्थिति है मुझे कुछ पता नहीं। आज मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, नहीं क्या हुआ उसका? क्योंकि सर्वे केंद्र गवर्नमेंट केंद्र सरकार सर्वे करवाती है ट्रेन की और फिर उसको बजट में छाया करती है। अगर वो सर्वे में होने के बाद बजट में सैंक्शन हो जाता है, फिर वो माना जाता है, नहीं तो हर साल उसका नया सर्वे होता है। और आखिर सवाल बड़ा ही तल्ख था, वही सवाल जो आमतौर पर जनता कहती है कि आखिर 5 साल बाद ही निहाल चंद को हनुमानगढ़ की याद क्यों आती है। सुनते ही सक पकाए निहाल चंद, छूटते ही कहा, यह बात गलत है, अगर किसी ने यह बात कही है तो वे चुनाव छोड़कर चले जाएंगे।
नहीं ये तो बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता। अगर जनता ये कहती मेरे 5 साल के बाद में दर्शन होते तो मैं अभी चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आप ये सोचते हैं तो मैं अभी छोड़ के चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। शक्ल कैसी है आपको बताओ, इसकी फोटो लगाई। मेरी शक्ल सारी दुनिया जानती है। मेरे गंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक एक बच्चा चुनाव जानता है। मैं 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। भाजपा के बाद आपको बताते हैं कांग्रेस से जुड़ी कुछ खास खबरें। दरअसल सियासत की सरगर्मी तेज हो गई है। श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल टिकट मिलने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे। डीसीसी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। बात बात में खुद को निवर्तमान सांसद मास्टर भरत राम मेघवाल का राजनीतिक गुरु बता दिया। उन्होंने कहा कि भरत राम को उंगली पकड़कर राजनीति में लाने वाला मैं ही हूं। बड़ी बातों के बीच भंवरलाल मेघवाल हाथ जोड़ना नहीं भूले। उन्होंने कुर्ते की झोली बनाई और कार्यकर्ताओं से वोट भरने की फरियाद कर दी। राजनीति भी अनोखी है। पहले तो दमखम दिखाना पड़ता है और अगले ही पल खुद को सबसे छोटा बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजनीति के पुराने खिलाड़ी पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल सियासत के इस द्वंद को बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि टिकट मिलने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ दौरे पर पहुंचे मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में खूब रंग दिखाए। पहले तो राजनीतिक रूप से खुद को अनुभवी बताने के लिए निवर्तमान सांसद मास्टर भरत राम मेघवाल को अपना चेला बताया। मैंने भरत मेघवाल को स्कूल से अध्यापक छोटी सी स्कूल चलाते थे उसको आंगली पकड़ कर मैंने राजनीति में लड़ने की बात की थी, आपको बता रहा हूं। उसके बाद में 2009 आया तो मैं फिर मंत्री बन गया और मंत्री बनने के बाद चूंकि मात्र 7,000 वोट से हरा था इसलिए टिकट इनको दिला करके आपके सामने मई प्रभारी मंत्री था यहाँ का। और मैंने ये सारी मीटिंगें बड़ी बड़ी और आपके गांव कई जगह जाकर के और चेष्टा करके देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर भिजवाया था। डीसीसी दफ्तर में हुई मीटिंग में भंवरलाल मेघवाल ने खुद को गरीब बताया। उन्होंने कहा कि वे न सिर्फ छोटे से परिवार बल्कि उस ढाणी में पैदा हुए जिसका कोई नाम तक नहीं था, लेकिन जनता का सहयोग है कि सर्वाधिक 9 बार एक ही सीट से चुनाव लड़ता रहा। मैं एक छोटे से गांव ढाणी में पैदा हुआ व्यक्ति, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे गांव का नाम नहीं था राजस्थान में, से ढाणी था। स्वतंत्र चुनाव 80 में एमएलए बना तब जाकर के मेरे गांव का नाम रिमनी विलेज, आज भी उस गांव में मात्र 100 घर है। ऐसे गांव में पैदा हुआ और ढाणी से गांव और गांव से शहर तक पहुंचते पहुंचते आज मेरे को 36 साल हो गए राजनीतिक जीवन। 9 बार मैं चुनाव लड़ा हूं। आपको निवेदन करना चाहूंगा मैंने 9 बार चुनाव लड़ा है। राजस्थान के अंदर हरदेव जी जोशी 10 बार चुनाव लड़े हैं। उसके बाद हो सकता है हमारे बड़े नेताओं में 2-4 नेता और हो सकते हैं जो 9-10 बार चुनाव लड़े होंगे। एक ही जगह से जगह बदल करके नहीं, आपका ये कार्य साधारण सा कार्यकर्ता एक ही जगह से 9 बार चुनाव लड़ना पूर्व मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा देश में मोदी लहर की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट थमा रही है, यानी उसे अपने बंदों पर भरोसा नहीं, अपने कार्यकर्ताओं की काबिलियत पर भी भरोसा नहीं। चकाचौंध हो जाता ना, जो बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो आदमी बाहर निकलते ही अंधेरे में चकाचौंध हो जाता है, तो इनको चकाचौंध हो गए, इनको पता ही नहीं लगा हमारी पार्टी से लेके ले तो उम्मीदवार बना रहे। आपको मालूम होना चाहिए हमारी पार्टी से उम्मीदवार लेके बना रहे। आज राजस्थान में जो हालात बीजेपी के मालूम है आप सबको। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरी इच्छा नहीं थी ज्यादा कहने, लेकिन चूंकि हमारे शहर है थोड़ी बात जरूर बताना जरूरी है, इसलिए समझ रहा हूँ। पीछे कब बोला, पीछे 2-3 मिनट में मेरा काम निकाल रहा था, लेकिन हनुमान शहर है, 1 लाख वोट का मालिक है हनुमानगढ़ शहर। 1 लाख वोट में 1 लाख या 1.25 लाख या 1.5 लाख बाहर होंगे, 2.5 लाख वोट होंगे या 2 लाख से ऊपर होंगे वोट। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा आने वाले 25-26 दिन के बाद जब 17 तारीख को वोट पड़े और हनुमानगढ़ विधानसभा की पेटी जब खुले तो यह होना चाहिए कि हनुमानगढ़ के अंदर मास्टर भंवरलाल 25,000 वोटों की लीड से जीत के गए हैं। सब पता लगेगा। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सुरेंद्र दादरी ने कार्यकर्ताओं को जी जान से चुनाव तैयारी में जुटने का आग्रह किया। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा,
बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी और गुरमीत सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए। प्रवक्ता तरुण विजय ने आभार जताया। इसी दौरान भाषणों के बीच भंवरलाल मेघवाल ने हाथ जोड़कर कुर्ते की झोली बनाई और कार्यकर्ताओं के आगे रख दिया। हाईकमान ने राहुल जी ने, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, कामत साहब ने, सचिन पायलट साहब ने, रामेश डूडी ने, सब ने मिलकर के आपके बीच में भेजा है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, मास्टर भंवरलाल की ये झोली जो है ना, ये बोटू से भर देना और मैं भी आपके हर प्रकार के दिल के अंदर बैठ करके काम करने की चेष्टा करूंगा। निवर्तमान सांसद मास्टर भरतराम मेघवाल ने कहा कि जनता ने जो प्यार दिया उसे उन्होंने पूरे 5 साल तक दिल और दिमाग में रखा, साथ ही खुद को बेदाग भी बताया। सांसद ने कहा कि चुनाव के वक्त जिस तरह आपने राजनीति की सफेद चादर उड़ाई वह पूरी तरह आज भी बेदाग है। मैंने क्षेत्र के अंदर निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से काम किया और इतना काम किया, मेरे से पूर्व जितने भी एमपी बने आज तक, आप इतिहास उठा के देख लो, उनका कार्यकाल देख लो, सबसे ज्यादा मैंने काम करके देखा है लोकसभा क्षेत्र गंगानगर के अंदर। आपने जो राजनीति की सफेद चादर मेरे ऊपर उड़ाई थी 5 साल पहले, भाइयों मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि मैंने उस चादर के दाग नहीं लगने दिया। आपकी चादर वैसा की वैसी 5 साल तक मैंने संभाल कर रखी है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LED उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। यहाँ पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इम्पोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। अब एक खबर शिक्षा के राजनीतिकरण को लेकर। दरअसल समाज सेवा की आड़ में अनियमितताओं का ऐसा जाल बिछ गया कि लाखों बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति जैसे उसमें उलझ कर रह गई। जी हाँ, सेठ मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने से स्कूल संचालक पशुपेश की स्थिति में है। लिहाजा उन्होंने रविवार को सेठ BT अग्रवाल को हनुमानगढ़ में घेर लिया। विधानसभा चुनाव के बाद अनियमितताएं बताकर छात्रवृत्ति रोकने वाले जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BD अग्रवाल रविवार को हनुमानगढ़ में फंस गए। निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के प्रतिनिधियों ने अग्रवाल को टाउन में घेर लिया। उन्होंने छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर अभिभावकों की बढ़ रही नाराजगी से अग्रवाल का ध्यान आकर्षित किया। पहले तो अग्रवाल की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने कुछ स्कूल संचालकों पर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया और मुकदमा दर्ज करने तक की धमकी दी।
मैंने ये कहा था उनकी दे रहे हैं, जिन जिन की टेस्ट हो रही है जी सर, उनकी दे रहे हैं जी सर, वो लोग दे रहे हैं कि नहीं दे जी रहे सर, मैं ये कह रहा हूँ। अभी भी मैंने यही बात बताई है जी सर, आप आके पहले हमारी आपकी तो सुन ली है जी जी सर, और मुझे ये पता है कि आप बच्चों का नाम लेके और जो आदमी चोरी करेंगे मैं चोर के ऊपर तो FIR दर्ज कराऊंगा। बिल्कुल सही है, हमने भी ऐसे स्कूल मिले हैं गंगानगर में जी जी सर, जिनके बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर, ठीक है, ये नहीं है कि भी सारे ने कुछ किया है, हाँ जी हाँ जी सर, बट जिन्होंने भी किया है जी सर, ठीक है, उनको निकालेंगे नहीं तो ये आगे चलेगा क्या? नहीं, इसमें हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ अभी मैं हमने तो यहाँ से तो इंडिविजुअली फार्म गए हैं जी, विजय बंसल ने चेक करके सारे लगभग वो भी चेक हुए। एक मिनट रुको, वहाँ पे भी जितने भी आए ना, अच्छा चलो अभी आप कह रहे हो कि भी एक एक उन्होंने चेक किए हैं जी सर, फिर वो कैसे? पहले तो सारे ही चेक करके गए हुए ना, फार्म तो गंगानगर के भी तो चेक ही हुए होंगे जी जी सर, ठीक है, जो चेक किए वो राम ने तो किए नहीं, जब पकड़े गए हैं जबी तो ये रोड़ा पड़ा है जी सर, जी सर, अभी हमने न्यूज़पेपर में भी छपाया था, स्कूलों के नाम भी छपे थे, आए थे ना जी जी सर, हम दे रहे हैं। आप अपने स्कूल जितने भी हैं उनकी लिस्ट सुधार के, चाहे वही है पहले वाली जी जी सर, ठीक है, वो दो, उसके बाद अगर एक भी गलत निकला तो हम उस स्कूल को ब्लैक लिस्ट कर, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट सर, FIR कराइए, बिल्कुल FIR। बाद में स्कूल संचालकों की पीड़ा को महसूस करने पर अग्रवाल का सुर भी बदला, उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कुछ नहीं लगता, पैसा तो विदेश से आता है, इसलिए मैं क्यों चाहूंगा कि यह बंद हो। मेरे कुछ नहीं लग रहे, ये तो विदेश से आ रही है जी सर, जी सर, पर अगर इसका दुरुपयोग होगा तो वो भी कोई नहीं देगा। बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है आपकी बात, चाहिए मैं ये कह रहा हूँ आप अभी हमारा सहयोग करो, जो जो आप अपने, हम कह रहे हैं हमारी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी जी सर, हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है, आप अपनी लिस्ट सारे स्कूल वाले जी सर दे दो जी सर, हमें, हम उनके अंदर चेक करवाएंगे, हमने पहले ये भी कहा था 10% चेक कराएंगे, 10% चेक करवाए ना तो हमने 90 स्कूलों में से 9 चेक करवाई, 8 गलत निकले 1 सही। आखिर में बीडी अग्रवाल ने कहा कि आप लोग सोमवार को गंगानगर आ जाओ, वहीं पर आपको प्रभारी अमित सेतिया से मुलाकात करवाएंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आप एक काम करो सर, कल आ जाओ वहाँ पे गंगानगर में, आप जितने भी आ सकते हो 10, 20, 5, 50 जो भी आ सकते हो जी सर, आ जाओ, आने के बाद में हमसे मिलो, हम आपको जो इंचार्ज है वहाँ पे अमित सेतिया है जी सर, जी अमित सेतिया से मिलवा देते हैं जी सर, जी सर, आपकी टीम में वहाँ पे भिजवाने के लिए गठित कर देते हैं जी सर, और आप वहाँ पे आओ 5 बजे शाम को, क्योंकि कल शिमला का फार्म भराना है, 5 बजे तक हम फ्री होके सारी बात कर लेंगे। इससे पूर्व ग्रीन वर्ल्ड रेस्टोरेंट परिसर में जमींदारा पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसमें संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी शिमला नायक भी मौजूद थे। इस मौके पर सीमा दाहूजा को महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जैन संत आचार्य महाश्रवण 3 दिवसीय प्रवास पर रविवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। 13 पंथ भवन जंक्शन में उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे अपनी जुबान पर शुगर फैक्ट्री खोलें और दिमाग पर आइस फैक्ट्री, इससे वे बेहतर इंसान बन सकते हैं। आचार्य ने परिवार को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए कई संदेश भी दिए। जहां भी जाता हूँ सुनसान नजर आता है, हर तरफ सिर्फ बियाबान नजर आता है, कैसा है वक्त के दिन के उजाले में भी नहीं इंसान को इंसान नजर आता है। यह एक पंक्ति आज के मानव की पराजय का प्रतीक बन चुकी है। जब इंसान को इंसान नजर नहीं आए तो फिर उसे मार्ग दिखाने के लिए आते हैं संत। हनुमानगढ़ के इतिहास में रविवार यानी 23 मार्च का दिन मायने रखेगा, क्योंकि आज के ही दिन आचार्य महाश्रमण का पदार्पण हुआ। आचार्य श्री का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित 13 पंथ भवन में आचार्य ने प्रवचन देकर मनुष्य को स्वर्ग तुल्य परिवार बनाने का संदेश दिया। आचार्य श्री ने प्रवचन में भिक्षु से लेकर संत और गृहस्थ जीवन जीने वालों को भी बेहतर जीवन जीने का संदेश दिया। आचार्य श्री ने कहा कि समाज में वर्ग कोई भी हो, आपसी सामंजस्य जरूरी है। अपनी भिक्षा में प्राप्त भोजन थामे मनोहार करें,
और यह चिंतन करें, अगर साधु लोग अनुग्रह कर दें, मेरी लाई हुई भिक्षा में से कुछ ले लें, तो मैं तर जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा। और वह साधुओं को निमंत्रण दे के, आओ साधुओं, आओ, पधारो पधारो, आहार करो आहार करो। यह आगम में निर्दिष्ट तत्व है कि यो साधुओं को परस्पर मैत्री भाव रखना चाहिए। साधुओं का एक परिवार होता है, जैसे साधुओं का परिवार होता है, साधुओं का परिवार तो त्यागियों का परिवार है। परिवार की ज्यादा बात तो गृहस्थों में होती है, गृहस्थों का परिवार होता है। एक समूह की छोटी इकाई परिवार होता है। समाज बड़ा समूह होता है। संस्कृत कोश में दो शब्द व्याख्यात किए गए हैं, समझ और समाज। दोनों का अर्थ समूह है, परंतु किसका समूह है? यह अंतर है। तदिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र बताते हैं, समदस्तु पशु नाम स्या समाजस्तुल्य देहि। पशुओं का समूह समद कहलाता है, और अन्य प्राणियों मनुष्य आदि का समूह समाज कहलाता है। मनुष्यों का समाज होता है। आचार्य श्री ने एक कक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह शिष्य ने धरती पर स्वर्ग लाने के लिए प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वर्ग जैसा परिवार बनाना आसान है। उनमें से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहेंगे? एक दिन सबको मरना तो है ही, मरने के बाद स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहेंगे? विद्यार्थियों ने प्रायः सबने हाथ ऊंचा कर दिया। विद्यार्थी हाथ ऊंचा जल्दी करते हैं कई बार, प्यारे विद्यार्थी। और लड़कों ने हाथ ऊंचे कर दिए, तुमने हाथ ऊंचा नहीं किया। क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते? क्या तुम नरक में जाना चाहते हो? लड़का खड़ा हुआ, अब बोला, महोदय मैं नरक में तो नहीं जाना चाहता, परंतु मैं स्वर्ग में भी जाने की बात नहीं सोचता। मैं यह सोचता हूं आप जैसे अध्यापक महोदयों के पास पढ़कर मैं ऐसा करूं कि धरती पर स्वर्ग आ जाए। ऊपर वाला स्वर्ग क्या, तो धरती पर ही स्वर्ग आ जाए, ऐसा कुछ मैं जिंदगी में करना चाहता हूं। हम परिवार के बारे में विचार करें। एक परिवार ऐसा होता है जो मानो धरती का स्वर्ग होता है। एक परिवार ऐसा हो सकता है मानो कि कुछ अंशों में धरती का नरक होता है। परिवार स्वर्ग बने, परिवार अच्छा रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। आचार्य महाश्रमण ने कहा कि मीठा बोलना जरूरी है, दिमाग को ठंडा रखना और भी जरूरी। इसके लिए आदमी को चाहिए कि वह अपने दिमाग पर तो आइस फैक्ट्री खोले और जुबान पर शुगर की फैक्ट्री। जिस दिन हम मीठा बोलना सीख जाएंगे और दिमाग को गर्म होने से बचा लेंगे, समझिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मीठा बोलना हम सीखें, किसी से मिलते हैं तो मीठा बोलते हैं या नहीं, या स्थानीय कसते हैं, मर्म भेदी भाषा बोलते हैं, व्यंग्य कसते हैं, एक दूसरे को अपमानित करते हैं, ऐसा न करें। मीठा बोलना सीख लें, सहन करना सीख लें, तो पारिवारिक जीवन कितना अच्छा हो सकता है। वो जबान मीठी हो जाए,
शुगर की फैक्ट्री और आइस की फैक्ट्री, फैक्ट्रियां भी मिलती है जगह जगह, शुगर की फैक्ट्री आइस की फैक्ट्री, फैक्ट्रियां कहाँ खोलना कि शुगर की फैक्ट्री तो दबान में खोल लो, आइस की फैक्ट्री यथोचित रूप में दिमाग में खोल लो, दिमाग ठंडा रहे, दबान मिट्टी रहे तो परिवार कितना सुखी हो सकेगा। तो साधुओं का भी अपने ढंग का परिवार होता है, समूह होता है, परंतु जिस प्रकार का परिवार आपका होता है वह साधुओं का उस रूप में नहीं दियो। आपके तो माँ बाप पिता बेटा बेटी कितने परिवार में लोग होते हैं, साधुओं का तो अलग ढंग का परिवार होता है। हालांकि साधुओं के परिवार में भी ये बातें जरूरी हैं, वहां भी सहिष्णुता चाहिए, वहां भी वो मिठास चाहिए वाणी में, वहां भी आपस में एक दूसरे के हितैषिता के विचार होने चाहिए। जैन समाज के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जैन ने कहा कि आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई कि आचार्य महाश्रमण हनुमानगढ़ पधारे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आचार्य श्री के प्रवास के दौरान हनुमानगढ़ में भगवान महावीर की वाणी जन जन तक पहुंचेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब से महाश्रमण जी का प्रोग्राम हनुमानगढ़ का बना है। हनुमानगढ़ का जन जन बड़ी बेसब्री से आपके आगमन का इंतजार कर रहा है और आज वो शुभ दिन आ गया है कि आपका हनुमानगढ़ जिले में पधारना हुआ। मैं समझता हूँ कि आपके आगमन से महावीर की वाणी जन जन तक जाएगी और सभी भाई बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपके सानिध्य का जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके वो हमें लेना चाहिए। तेरा पंथ भवन में महिला साधिकाओं ने गुरु की महिमा का बखान किया और गीतिका के माध्यम से गुरुदेव से जैसे वरदान भी मांग लिया। उनके सुमधुर पंक्तियों से जैसे वातावरण में अनुशासन की खुशबू बिखरने लगी। कार्यक्रम के दौरान आचार्य श्री ने युवाओं को नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि जैन धर्म अहिंसा को बढ़ावा देता है। हमारे धर्म गुरु परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। हमारा धर्म जैन धर्म तेरा पंथ है। जैन धर्म तेरा पंथ है। हम जैनी हैं, तेरा पंथी हैं। हम जैनी हैं, तेरा पंथी हैं। इसलिए देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखेंगे। अंडा मांस नहीं खाएंगे। नशा नहीं करेंगे। गुस्से में आकर आत्महत्या नहीं करेंगे। न दूसरे की हत्या करेंगे। भ्रूण हत्या को प्रश्रय नहीं देंगे।
हरे भरे मोटे पेड़ को जड़ से नहीं काटेंगे। संवत्सरी का उपवास साल में एक दिन आती है, संवत्सरी भादवा महीने में आती है, व्रत उपवास करता। नवकार मंत्र हमारा मंत्र है, जयंत्र का नवकार मंत्र, उसको दान दिया होगा या दान देना चाहिए, उसका जप करना कम से कम 21 बार हो सके। आचार्य महाश्रवण के सानिध्य में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। इसमें 100 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। आयोजक राजकुमार जैन के मुताबिक आचार्य तुलसी का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का अलग ही महत्व है। 13 पंथ के 11वें आचार्य महातपस्वी महाओजस्वी आचार्य महाश्रवण के पधारने पर और यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है और आज के दिन का तो और भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आचार्य महाश्रवण पधारे हैं, उनकी पावन निष्ठा में, उनके सानिध्य में और ये कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 100 यूनिट रक्तदान हो, एक शतक लगे। आज इस वर्ष आचार्य तुलसी का महाजन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है, तो 100 यूनिट रक्तदान का हमने लक्ष्य रखा है। देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर जनवादी नौजवान सभा और SFI की ओर से छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। माकपा से जुड़े संगठनों की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन में छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नेता BS पेंटर ने कविता सुनाकर सबको भावुक किया। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को ऐतिहासिक करार दिया। माकपा नेता रघुवीर वर्मा, जगजीत सिंह जग्गी व BS पेंटर आदि ने शिक्षा के निजीकरण का डटकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बेचने की वस्तु नहीं बल्कि बांटने के लिए है, सरकारी नीतियां इसे व्यवसाय बनाना चाहती है। उन्होंने युवाओं से संबंधित कई प्रस्ताव पारित किए। शिक्षा का निजीकरण बंद होना चाहिए, सारी चीज़ों के एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। दूसरा ये है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। तब तक रोजगार नहीं मिलता जब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। हनुमानगढ़ कृषि क्षेत्र प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कृषि विद्यालय खोला जाए और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, ये हमारी इसमें एक मांग है। दूसरा ये है कि गाँव में और शहरों में खेलों के मैदान और कोच की व्यवस्था नहीं है, हम चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था हो। और जो भी पढ़ने रेगुलर स्टूडेंट जाते हैं बसों के अंदर, उन्हें रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा दी जाए ताकि वो अपनी शिक्षा सुचारू रूप से चला सके। और भी वक्त है हेडलाइंस का। जन्म दिया
जिस बाप ने पाल पोसकर बड़ा किया उसी माता पिता की आखिर में उपेक्षा कर दी जाती है। कुछ ऐसे भी कलयुगी संतान हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन परायों की पीड़ा को शिद्दत से महसूस करते हैं। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित ड्रीमलैंड कॉलोनी में बना अमर चांद वृद्ध आश्रम। इसमें दर्जन भर पुरुष और महिलाएं हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पूनम कौर और परमजीत कौर ने आश्रम में उन बुजुर्गों की सेवा का बीड़ा उठाया है जो अपनों की उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। होली पर स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला सहित काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने फूलों की होली खेलकर बुजुर्गों के साथ खुशियां बांटी। जो बुजुर्ग मेरे पास रहते हैं उनको परिवार से अलग रहते हैं, उनके परिवार नहीं है। जब उनको भी लगा कि हम होली हमारा परिवार होता, होली खेलते, तो जब होली में सब लोग आपस में एक दूसरे से बिजी थे तो हम किसी को बुला नहीं पाए, तो इन्हीं की खुशी को ध्यान में रखते हमने कीर्तन और ये फूलों की होली का प्रोग्राम रखवाया। पिता अमर और माँ चांद के नाम से आश्रम खोलने वाली पूनम कौर कहती हैं कि अब तक करीब 8 से 10 बुजुर्गों को समझाइश के बाद घर भेज दिया गया है। उसमें उन्हीं बुजुर्गों को रखा जाता है जो परिवार से रूठ कर आते हैं। अब तक कम से 8 से 10 बुजुर्ग आके जा चुके हैं जिनको मैं आते हैं परिवार से रूठ के आते हैं, उनको परिवार को बुला के हम उनको काउंसलिंग करके समझा के वापस भिजवाते हैं। मेरे पास में 3 बुजुर्ग ऐसी है जिनके आगे पीछे संभालने वाला कोई नहीं है। ये आश्रम सिर्फ उनके लिए है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, अन्यथा यहाँ पे कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आश्रम को कुछ गलत महत्व समझते हैं कि यहाँ पे हमें हम रह सकते हैं, पर जिनके परिवार है, जिनके बेटे हैं, जिनकी बहुएं हैं, बेटियां, उनको हम नहीं रखते। हम सिर्फ उनको रखते हैं जो आगे पीछे जिनमें कोई नहीं है, बिल्कुल अनाथ है, उनको मैं यहाँ ले रही हूँ और उनका जीती जिंदगी मैं अपनी तरफ से अच्छे से सेवा करूंगी, जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देख रही समाचार, नमस्कार।